ये है ब्लॉग प्रोजेक्ट जिसमें को हम लोग लाइव वाले से बना रहे हैं और अभी हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक का इंसर्ट शायद इसको बना लिए थे हम लोग। इसके बाद हम लोग ये चाहते हैं कि टॉपिक का इंसर्ट बनाने के बाद यहाँ पर कॉलिंग हो जाए। तो इंसर्ट के लिए जो प्रिवेंशन था वो कल काम नहीं कर रहा था, आज देख लेते हैं, आज भी काम नहीं कर रहा। हम लोग वापस से आज इसको इंस्पेक्ट करेंगे कि काहे काम नहीं कर रहा, कौन बोला तुमको नहीं काम करने के लिए। प्रीवेंट, इसके प्रिवेंशन को रोकने के लिए इंसर्ट के फॉर्म में रीडायरेक्ट को रोकते हैं। हो सकता है रीडायरेक्ट की वजह से हो रहा हो, तो चलिए देखते हैं कि क्या मामला है। अच्छा, ये बात एक और इम्पॉर्टेंट है, ये खाली हो गया उसका फ्लैश में, हाँ ठीक है। तो रीडायरेक्ट बंद कर दिया हम, देखिए इंसर्ट बंद हो गया, रीडायरेक्ट हो रहा था इसलिए रिफ़्रेश हो रहा था, रीडायरेक्ट का फंक्शन लगा था इसलिए रिफ़्रेश हो रहा था, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं, हटा दीजिए। तो मोटे मोटे तौर पे मामला ये हुआ कि इंसर्ट अच्छे से हो रहा है। कॉलिंग करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक कॉलिंग करने के लिए जो कंपोनेंट बनाएंगे, तो फिर से लाइव वायर कंपोनेंट बनाते हैं और लिखते हैं मेक कॉलन लाइव वायर, उसके बाद एडमिन डॉट टॉपिक डॉट कॉलिंग डैश टॉपिक। देखो ये जो कैपिटल तुम नहीं लिखते हो ना, तो क्लास का नाम अपने आप कैपिटल हो जाता है, तो परेशान होना नहीं है। आप चाहे ऐसे लिखिए या वैसे लिखिए, दोनों अलाउड है। उसके बाद आप इसको सर्वर को रन कर लीजिए। कॉलिंग टॉपिक का आपका ये कंपोनेंट है, ये कॉलिंग करने की जगह है। कॉलिंग जो हो रहा है ना टॉपिक्स, वो एक्चुअल में कार्ड्स में हो रहा है, लेकिन ये कार्ड हमको चाहिए नहीं, इसको हम थोड़ा सा सुधारते हैं। तो जो कॉलिंग टॉपिक का जो कोड है वो मेरा है एडमिन के अंदर यहाँ पर टॉपिक में, ठीक है। ये है मेरा पार्ट जो कि कोड में दिख रहा है, देखो सब लोग देखो ध्यान से, ये वाला वो पार्ट है जिसको हम लोग को कोड में दिखाना है। तो मोटे मोटे तौर पे इसको कट कर लेना है और यहाँ पे अपना कंपोनेंट को रेंडर कर देना है। लाइव वायर कॉलन, और उसके बाद एडमिन फोल्डर के अंदर टॉपिक फोल्डर है और टॉपिक फोल्डर के अंदर में कॉलिंग डैश टॉपिक है, ये आपका नाम हो गया। सिंपली आप ऐसा कर सकते हैं, हो गया आपका कंपोनेंट रेंडर हो गया। आप देख सकते हैं कि ये आपका पार्ट 8 वाला है, ये पार्ट आपका 4 वाला है। एक्स्ट्रा जो लाइन में स्पेसेस आ रहे हैं उसको हटाइए, इससे कुछ होगा नहीं, यहाँ पे घर नहीं बना सकते आप, आपको यहाँ पे गली बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मत बनाइए, फटाफट अरेंज कर लीजिए, बीच में जो स्पेसेस हैं हटा दीजिए, देखने में खूबसूरत बनाइए इसको, हो गया। इसके बाद जो कॉलिंग सेक्शन का काम है, इसको इस तरह से अरेंज नहीं करेंगे जैसा यहाँ पर दिख रहा है, इसको एक्चुअल में कॉलम वाइज करेंगे ही हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर एक डिव बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं ग्रीड, एकदम बिल्कुल नए तरीके से बना के दिखाते हैं आपको। देखिए मेरे आईडी चाहिए, टॉपिक का नेम है, टॉपिक का डिस्क्रिप्शन है और एक्शन यानी 4 है टोटल, ठीक है, डैश 4। गैप आप कंसीडर कर लीजिए, विड्थ लगा दीजिए, हो गया आपका काम। इसका जो पहला सेक्शन है उसमें फिर से इसमें लिखिए फ्लिक्स डैश 1। आप इसमें लिख सकते हैं आईडी, उसके बाद टाइटल, टॉपिक नेम। आप कुछ नोटिस कर रहे हैं, हम यहाँ टॉपिक का जो टेबल बनता है उसकी जगह पे हम बना रहे हैं ग्रीड सिस्टम, क्या ऐसे हो सकता है? तो जवाब आपके सामने रहेगा। वेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, कंपाइलेशन में जो टाइम लग जाए। ये देखिए हमको कंपोनेंट के बारे में कह रहा है कि गलत है, तो मैं कॉलिंग जहाँ पे इंसर्ट कर रहा था यहाँ पे, सॉरी टॉपिक डॉट विलेज डॉट इज, देखिए कॉलिंग टॉपिक के कॉलिंग टॉप हो गया, राइट। अब जो हो गया हो गया, कॉलिंग टॉपिक की जगह टॉप लिख दिया, देखिए ये ऊपर में कॉलम आ गया। तो आप इसमें खाली क्या करेंगे, ये जो कॉलिंग टॉपिक वाला आपका कॉलम है इसमें आप एक और फ्लिक्स बनाइए ऊपर में, इसमें दो चीज़ करना है। पहला ये चीज़ कि S2 में क्लास नेम फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, और इसके बाद टेक्स्ट डैश 2XL और फॉन्ट, ये तो हो गया। इसमें मैनेज टॉपिक्स, ये टाइटल हो जाएगा। इसके जस्ट विपरीत साइड में एक इनपुट टाइप बनाएंगे, इनपुट टाइप जिसका बॉर्डर होगा, जिसमें पैडिंग होगा,
जिसमें पैडिंग वाई होगा, जिसमें थोड़ा राउंडेड होगा, जिसमें ये सारा कुछ, और जिसमें प्लेस होल्डर में लिखा होगा सर्च हेयर, टॉपिक सर्च करने के खातिर। ठीक है, तो ई खातिर हम लोग बनाया है, इस और इस तरफ डालना है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर जस्टिफाई बिटवीन और अलाइनिंग आइटम को सेंटर कर देने से आप क्या कर सकते हैं आपको बढ़िया से पता है। आप इसमें थोड़ा लगाइए पेडिंग, जगह को अगर ये फ्री देखने में लगा बनाइए सुंदर। ठीक है, एक्स से नहीं वाई से कर दीजिएगा तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप अगर बैकग्राउंड वैकग्राउंड देना चाहें तो ये बना सकते हैं टनाटन। देखिए PX3, देखिए ये पट्टी जो दिख रहा है आपको हेडिंग के लिए दिख रहा है, आप ऐसा कुछ बना सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप जैसे चाहें करिए, थ्री जो ऊपर में दिए थे वही, इससे इसको भी पेडिंग मिलेगा, ये भी थोड़ा तनी मनी थोड़ा नीचे आएगा, और उसके बाद हम लोग इसका कॉलिंग पार्ट करते हैं। तो ये ग्रिड है जो कि हम लोग इसको बनाए हैं। अब इस ग्रिड में जैसे हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे ये लाइन को, तो ये दूसरा रो बन जाएगा अपने आप, देखिए है ना। तो मैं आपको ग्रिड से दिखाना इसलिए चाह रहा था कि इसमें कुछ नया हो सकता है। फोर ईच डॉलर टॉपिक्स एज टॉपिक, ठीक है। आ जाओ, ये चारों लाइन है, इसको ज़रा सा अंदर डाल दीजिए, और ये हो गया लूप का पार्ट। देखने में बढ़िया लगे तो फॉर्मेट का ध्यान एकदम रखिए और बढ़िया से इसको अरेंज कर लीजिए, सुंदर साफ़ सुथरा काम कीजिए। ठीक है, ये जो टॉपिक सही है यहाँ से पास होना चाहिए, ऑब्वियसली आप इसको पास कर सकते हैं। देखिए जो मेरा व्यू पेज है उसका जो कंट्रोलर ये है, अगर आप इसके कंट्रोलर में डेटा पास कर देंगे जैसे करते हैं बाकी जगह पे, वैसे एकदम वही कर रहे हैं। टॉपिक्स मॉडल को मत भूलिएगा, बुला लीजिए, सभी को चाहिए तो ऑल लगा दीजिए, और सेकेंड पैरामीटर आपको अच्छे से मालूम है, डाटा पास कर सकते हैं। कुछ नया नहीं है, तरीका वही है, काम जगह अलग हो गया। देखिए अभी इसका बढ़िया सा डेटा को जो कॉलिंग हो रहा है उसका नाम वाम को बढ़िया दिखाते हैं। डॉलर टॉपिक एरो आईडी टॉपिक नेम, ठीक है, टॉपिक डिस्क्रिप्शन, और ये एक्शन का जगह है, तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे बटन सब। अभी फ़िलहाल के लिए लो बना दिया तो बना दिया, ये तीनों हटा देंगे, ये तो ऐसे डमी है। देख सकते हैं आपका टॉपिक सब कॉल हो गया, तो आपका जो टॉपिक कॉल हुआ इसका ऊपर वाला पट्टी अलग दिखना चाहिए थोड़ा सा, तो आप ऐसा सोच सकते हैं, और यहाँ पे आप लगा सकते हैं BG-LATY-500 text-white, और पेडिंग वेडिंग अगर चाहिए तो P-3 या P-2। देख लीजिए, देखने में भी बढ़िया लगेगा। ये जो गैप आ रहा है आपके पास यहाँ से आ रहा है, अगर आप इसको हटा दीजिएगा और पेजिंग से काम निकालिएगा तो भी चलेगा, तो देखने में टेबल ही हो जाएगा एकदम। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक BG-LATY-200 जो कि उसके जैसा उपरांत लगेगा, पेजिंग जो आप देते हैं वही दीजिए और आपका काम हो जाएगा। देखने में लग रहा है टेबल बट टेबल नहीं है। ठीक है, खैर तो ये जो ऊपर में ग्रे पट्टी दिए थे अब हमको नहीं लगता है कि अब इसको देना चाहिए, रहने दो, टाइटल ठीक है बट पट्टी की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो हो गया अपना काम इंसर्ट का और कॉलिंग का, बट यहाँ पे लाइव वर्क खुश नहीं होता, लाइव वर्क एकदम खुश करना है लाइव वर्क को। तो देखिए आपको क्या करना चाहिए, आप इस लाइव वर्क के कंपोनेंट में सर्च बनाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इस कंपोनेंट का जो कंट्रोलर पार्ट है यानी ये पार्ट, इसमें एक तो प्रॉपर्टी बनाइए जैसे हम लोग बनाते थे शुरू से, पब्लिक लगाइएगा और इसका नाम रखिएगा सर्च। ठीक है, इनिशियल टाइम में सर्च का वैल्यू ज़ीरो असाइन कर सकते हैं, और उसी तरीके से ये जो ऑल लिखा हुआ है इसमें लिखा दीजिए वेयर, बड़ी ब्रैकेट लगा के लिखिए कंडीशन कि जिसका टॉपिक का जो नाम है वो जैसा हो, किस एक ही है ना कंडीशन। चलो एरे हटाओ, लाइक जैसा हो, किसके जैसा हो, तो परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट डॉलर सर्च, ये डबल कोट्स में करो नहीं तो वेरिएबल डालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सर्च एक्चुअल में दिस सर्च लिखना है, नहीं तो क्या होगा, सर्च खोज नहीं पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे, कॉन्कैटिनेशन कर देंगे, ये जुड़ जाएगा, और इसके बाद डॉलर दिस एरो, और उसके बाद इधर देखो यहाँ
डॉट, तो ये बेसिकली यूनियन का काम कर रहा है, कॉन्केटिनेशन का काम हो गया और एरो गेट, तो जितना डेटा सर्च होकर आएगा वो आएगा, हो गया काम यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए कोई दिक्कत तो नहीं कॉलिंग में, सेम है जवाब है, हाँ सेम है। अब सोचो कि अगर इस सर्च वेरिएबल में डेटा चेंज होगा तो मेरा ये सर्च क्वेरी चलेगा, और जो सर्च क्वेरी में सर्च होगा वो दिखेगा। तो हम लोग ने इसके लिए यहाँ पे आते हैं कॉलिंग के पास, तो ये जो इनपुट टाइप है इसमें लिखेंगे वायर कॉलन मॉडल, क्योंकि वेरिएबल को हम बताए थे मॉडल बोलते हैं, ये हो गया। एक सबमिट बटन भी डाल देते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है, अभी डिज़ाइन के लिए नहीं, ऐसे समझाने के लिए। देखो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं पाइथन या पाए सबमिट करते हैं तो कुछ भी ना बदला, ओ फॉर्म टैग नहीं है, माई बैड, ठीक है, तो ये फॉर्म टैग हम बना देते हैं, सब बात समझ लो, बिना फॉर्म के बनाएंगे, अभी बिना फॉर्म के भी इसको तैयार करेंगे। गेट मेथड मान लेते हैं इनपुट टाइप, दोबारा देखो अगर हम इसको ऐसे, ठीक है, तो पेज तो रिफ्रेश हो जा रहा है इसलिए पता नहीं चल रहा है, छोड़ो फॉर्म टैग हटाओ, मत लगाओ उसमें, आपको दिखाते हैं डॉट ब्लर। ब्लर का मतलब होता है जब हम लोग टाइप करके ये हुआ फोकस, यानी हम अभी इनपुट में हैं और जब इसको हटाएंगे यहाँ से कहीं और क्लिक करेंगे तो ब्लर, तो हम जैसे यहाँ लिखेंगे पाए तो अभी कुछ नहीं होगा, जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो नहीं देखा आप, सर्च हो गया, तो आप बोलिएगा ई कौन सा सर्च है जिसमें हमको हटाना पड़ेगा, क्या हम टाइप करते हुए सर्च नहीं कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, ब्लर की जगह लगाइएगा लाइव, बस हो गया। अब देखिए क्या होगा, देखिए प्लस प्लस के कर, ये तो प्लस प्लस देख रहे हैं, यानी जितना टाइप कीजिएगा उतना सर्च होगा, ठीक है, एकदम रियल टाइम में बिना पेज रिफ्रेश हुए, नेक्स्ट जीएस वाला मामला, ठीक है, तो एकदम परफेक्ट तरीके से एकदम काम हो रहा है यहाँ पे, लाइव वायर में जादू है, ठीक है, लेकिन हाँ वायर है इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। खैर तो लाइव वायर का ये चीज़ को एक चीज़ कर देंगे, वो है ऑटो फोकस, इसका मतलब ये हुआ कि पेज रिफ्रेश हो, लैंडर हो, कर्सर इधर उधर में भाग जाए। देखो पाइथन, ठीक है, और कुछ सर्च कर सकते हैं, एफ एस, देखो इसमें भी हो गया सर्च कंप्लीट। तो ये है सर्च, पावरफुल सर्च, ठीक है। अब आते हैं डिलीट बटन पे क्लिक करें और डिलीट हो जा, है ना, हो जा कि ना हो जा, हो जा, तो डिलीट बनाने के लिए उसी के कंट्रोलर में पहुंच जाओ, कहीं ज़्यादा ज़्यादा नहीं की जरूरत। अब इसमें तुम जैसे वेरिएबल बना सकते हो वैसे फंक्शन बना सकते हो, तो नाम रखो डिलीट टॉपिक, और इसमें कहाँ पास कर दो, तो आईडी पास कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद जो आईडी मिले उसको बढ़िया से डिस्ट्रॉय कर दो, डिस्ट्रॉय यू नो डिलीट कर दो, और वापस से सर्च को एम्प्टी करने की जरूरत ना। अब मैसेज फ्लैश का, ई जो फंक्शन है जेकर नाम ई है, उसको का कैसे हम लोग डेटा पास कर सकते हैं, बाकी चीज़ें कर सकते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आईडी का जो नाम है वो अगर तुम यहाँ पे पब्लिक में आईडी नाम रख लो और इस आईडी को यहाँ पे दिस आईडी कर दो तो पैरामीटर से पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फन है कि ये आईडी कहाँ मिलेगा, ठीक है, ये आईडी मिलेगा कहाँ, तो इस तरीके से पास हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बहुत सारे सवाल आपके मन में आ जाएंगे इसके बाद। लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हैं डिलीट कैसे कंप्लीट होगा, देखो हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोक कर लाइव वायर का वेबसाइट दिखाते हैं जहाँ पर इस चीज़ के बारे में रेफरेंस कहा गया, लाइव वायर डॉक्यूमेंटेशन, और ये देखो फॉर्म या एक्शन बोलते हैं इस मेथड को, जैसे प्रॉपर्टी बोलते हैं वेरिएबल को या मॉडल बोलते हैं, यहाँ पे इसको एक्शन बोलते हैं। अब देखो ये एक्शन के बारे में बता रहा है, सेव करने के केस में क्या कर सकते हैं, ये सेव वाला फंक्शन कैसे लगाया देख लो, इसी जैसे रिफ्रेश करना चाहते हो तो क्या करना होगा, रिफ्रेश के बारे में, कमिट के बारे में, एक्शन के बारे में, ठीक है, और वायर डॉट कन्फर्म भी मस्त चीज़ है, आर यू रियली वांट टू, ऐसे मैसेज आएगा, दिखाएंगे आपको। खैर ये सब कर सबमिट, क्लिक की अप की डाउन ये सब लगा सकते हैं, लेकिन अगर एंटर करने पर क्या होगा वगैरह वगैरह, देखो ये प्रिवेंट था डॉट प्रिवेंट,
देखो ठीक है, अब आपके मन में ये आया कि ये जो फंक्शन है ये पास कैसे होगा, तो देखिए कई तरीके से हो सकता है, पासिंग पैरामीटर टॉपिक। देखो यहाँ आईडी है, सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ आईडी है, आईडी मिला डिलीट मार दिया जैसे इसने किया, वैसे यहाँ पे अगर आपको करना है तो फंक्शन का नाम लिखिए और उसके अंदर क्या डाल सकते हैं, आईडी डाल सकते हैं। बस हम आपको अब दिखाते हैं, जल्दी से लॉजिक देख लीजिए, ये डिस्कार्ड कर देते हैं, ये क्या पता नहीं क्या आ गया, वापस से देखो ये दिस मॉडल वाला हटा देते हैं, फॉर्म होता तो हम कर देते हैं लेकिन बिना फॉर्म के है तो हम इसलिए डायरेक्ट पैरामीटर, पैरामीटर में आईडी पास कर देंगे। और यहाँ आने के बाद टॉपिक क्या होगा, फाइंड और ऐसे कर सकते हैं, फाइंड और फेल, तो क्या होगा इससे एक टॉपिक निकल जाएगा मेरे पास, तो टॉपिक नाम का वेरिएबल बना देते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स तो नहीं है इसमें, और इसको डिलीट मारना है तो बस डॉलर टोटल एरो डिलीट, और उसका रिफ्रेश मैसेज, ये मैसेज दिखाने के लिए ना इधर वाला काम किया ना उधर, खैर दिखा देंगे कोई इशू नहीं है। फंक्शन का नाम बताइए, इसको एक्शन बोलते हैं यहाँ पे, एक्शन का नाम क्या है, डिलीट टॉपिक। चलिए इसको लगाते हैं अपने बटन पे, तो ये बटन है अपना ए टैग से बना हुआ है, इसको बटन टैग से बना लो क्योंकि कहीं पे तो भेजना नहीं है, वायर कॉलन क्लिक, वायर कॉलन क्लिक, और इसमें यहाँ पे फंक्शन का नाम छोटी ब्रैकेट और यहाँ बीच में कर्ली ब्रैकेट डॉलर टॉपिक एरो आईडी, पास हो गया। और ये जो बटन टैग का एंडिंग पे ध्यान देना, ये बटन टैग यहाँ पे एंड होगा, और इसके बाद क्या होने वाला है, ये डिलीट टॉपिक फंक्शन चलने वाला है सच में। देखिए क्या कर दिया, एडिट पे क्लिक, अच्छा ये एडिट पे लिख दिया हम, कोई बात नहीं, इसको यहाँ से इसी को हटा देते हैं, ये ब्लू की जगह रेड कर देते हैं, एडिट वो जब बनाएंगे तब डाल देंगे, ठीक है डिलीट चेक करो। अभी इसमें जो आप कंफर्मेशन के बारे में कह रहे हैं हम आपको, उसके बारे में सुनिए, तो ये आप है ना चाहें तो कंफर्म कर सकते हैं कि आप जो डाल रहे हैं या आप जो कंप्लीट कर रहे हैं वो कैसे होगा। तो देखो देखो एक्शन को कंफर्म करने के लिए वायर कॉलन कंफर्म और मैसेज, ठीक है, तो डिलीट तो डायरेक्ट क्लिक मार रहे हैं एकदम डिलीट हो जा रहा है, ख़तरनाक भी हो जाता है कई बार, है ना, तो वायर कॉलन कंफर्म मतलब डेवलपर लोग के लिए आसानी से काम हो जाएगा। आर यू वांट टू डिलीट दिस टॉपिक क्वेश्चन मार्क, और ये देखिए देखा उसको कंफर्म को, उसकी जगह मॉडल वगैरह बना सकते हैं कोई इशू नहीं, एलेटीफाई तो उसी पे काम ही करता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसका पंगा नहीं है मेरे पास, आप उसको बना सकते हैं जैसे। तो आपने सर्च देखा, सर्च करते हुए देखा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे PHP, और ये डिस्क्रिप्शन देखिए, जब मैंने इंसर्ट कर दिया तो यहाँ अपडेट नहीं हुआ, आपका दो कंपोनेंट अलग अलग है, वो कंपोनेंट ना अपडेट होगा, ये कंपोनेंट थोड़ी होगा, रिएक्ट में भी यही रूल है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को अपडेट थोड़ी कर सकते हैं। हाँ अगर आप इसको बोलिए कि ई वाला कंपोनेंट, बोलिए ई वाला कंपोनेंट को भाई भाई बना के कि देख भाई जब हम ई वाला काम कर देंगे ना तो तुम ई वाला काम कर देना, ठीक है ना, तो यहाँ पे बेसिकली ये वाला इंसर्ट कहेगा कि हम इंसर्ट कर दिए हैं तुम एक काम करो चला दो, यानी रिफ्रेश कर दो। तो देखो जो तुम्हारा कॉलिंग है ना, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो तुम्हारा कॉलिंग है ना ये रेंडर कर रहा है, राइट, अगर ये रेंडर को दोबारा चलवा देंगे तो काम हो जाएगा, तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं कि भैया देखो ऐसा है कि तुम इस तरह से काम कर सकते हो, तो यही मैटर है, यहाँ पे कहलाता है डिस्पैच। तो हम आपको दिखाते हैं लाइव वे में डिस्पैच करते कैसे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट आराम से देखिए, डिस्पैच पहले इसका नाम इमर्ट था, अब इसका नाम डिस्पैच है, मतलब पिछले वर्जन में इसका नाम इमर्ट था। देखिए डिस्पैच में देखिए आपको क्या करना है, दिस डिस्पैच लगाना है और फंक कुछ भी नाम लिख दीजिए, ये डिस्पैच आप कर सकते हैं, और सुनने के लिए जब आप उसको लिसन करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ऑन डिस्पैच क्या करना है आपको, ठीक है, तो हम कहा देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इंसर्ट वाला पेज में कहा सेशन लाने से पहले दिस एरो इमेज था, अब डिस्पैच नाम है, मतलब पहले फंक्शन का नाम अलग था, अगर आप ChatGPT वगैरह यूज़ करेंगे तो शायद आपको नाम अलग मिलेगा, तो भाई
रिफ्रेश कर, भाई है ना, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो ये आपका डिस्पैच है, इस वाले आवाज़ को जो सुनेगा वो उसकी जगह लगा देते कि तुम सुनो और तुम ये करो, ठीक है। तो जहाँ पे ये लगेगा सेमी कॉलम छूट रहा है, भाई भाई अभी एकदम इमोशन में भाई, अभी भाई देखो तुमको करके दिखाएगा। उसके बाद कॉलिंग वाला जो फंक्शन है ये वाला रेंडर को सुनेगा, मतलब रेंडर होने से पहले क्या करेगा, उसको अपडेट करा सकता है। तो हम भाई को कहेंगे, भाई देखो ऐसा है, हैश लगाया, बड़ी ब्रैकेट लगाया, देखो यहाँ पे हैश बड़ी ब्रैकेट, फंक्शन का नाम है ऑन, क्या नाम है ऑन, देखो ओ कैपिटल ध्यान रखना, और उसके बाद भाई का नाम भाई को बोल दो, तो क्या होगा, पावर फील करा रहे हैं आपको। तो क्या होगा जब आप इंसर्ट करेंगे तो भाई आपकी सुन लेगा, नहीं समझे, समझे। तो देखा आपने, एक बार और आपको आपके आंखों के सेटिस्फैक्शन के लिए मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। एक डेवलपर की सबसे बड़ी फीलिंग यही होती है कि बिना पेज रिफ्रेश सब काम हो, आपको नहीं पता है, वो अंदर से फील होता है उसको, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये फीलिंग को इजहार करने के लिए टॉपिक का नाम रॉकिंग कर देते हैं, और उसके बाद कीप कीप कर देते हैं। आपके सामने देखिए ये अपडेट हुआ, ये अलग कंपोनेंट है, ये अलग कंपोनेंट है। तो मैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में आवाज़ पहुंचा सकता हूं, यहां से डिस्पैच करना है, वहां लिसन करना है, डिस्पैच करना है, जैसे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ना जाने कहां कहां तक पहुंच रही है। तो हम लोग यहां से डिस्पैच कर रहे हैं वॉइस को, अब वो उधर आप उसको ऑन यानी लिसन कर रहे हैं आप। हाँ, तो ये है बहुत मज़ेदार कंसेप्ट, ठीक है, जिसके बाद आपका ये चीज़ कम्प्लीट हो जाता है। ऐसे ही नहीं, यहाँ पे अभी बहुत काम है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे मैं सबमिट करूँ, जब मैं यहाँ पे सबमिट करूँ तो यहाँ पर लोडिंग लिखा है, यहाँ पर इस तरह से रिफ्रेश का लाइन दिखा रहा है। तो इसके लिए भी लाइव वायर में लोडिंग वगैरह का कंसेप्ट है। तो मैं आपको सर्च में दिखाता हूँ लोडिंग, देखिए एक्चुअल में लेजी लोडिंग नहीं बताना है, लेकिन आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो कोई कंपोनेंट बना के उसमें लोडिंग का कंसेप्ट बना लो, और बार बार जब जब तुमको लोडिंग की ज़रूरत पड़े तब तक तुम वहाँ पे लोडिंग कर सकते हो। लेजी का मतलब होता है स्लो कर देना, कई बार कोई चीज़ फास्ट भी ऐसा नहीं लगता, थोड़ा स्लो लगता है, अच्छा लगता है, तो लेजी कंसेप्ट है। मैं यहाँ पे आपको हाँ एग्जैक्टली तो यहाँ पे हम अभी आपको लोडिंग करके दिखाते हैं, जस्ट अ मिनट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।